मुसीबतों का वो रोना नहीं रोते जिसमें जीत का जनून होता है, जिसमें जीत का जनून होता है। तो मेरी जितनी भी बहनें आई हुई है, बहनों का आना बहुत जरूरी है इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, और बहनों को घर से निकलने की परमिशन नहीं मिलती। तो जितनी भी मेरी बहनें आई हुई है, एक बार जोरदार मेरी बहनों के लिए तालियां हो जाए। और जिस आंदोलन में अगर लड़कियां आगे आएंगी ना, वो आंदोलन बिना सफल हुए नहीं रह सकता। तो दो मिनट किरण मोहन सर को निकलना है, थोड़ा काम है, तो ये संबोधित करेंगे, फिर आप आगे की रूपरेखा दो मिनट के लिए डिस्कस करेंगे। और जितने भी आज कमेटी ने जो योगदान दिया उस कमेटी के लिए, और ये तिरंगों के लिए प्रयोग कितना अच्छे से, एक वो लड़की कितने अच्छे से आगे अगुवाई कर रही थी तिरंगे को लेकर, तो सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। किरण मोहन सर बात करेंगे, फिर मैं आपसे दो मिनट बातें करूंगा। सबसे पहले तो मैं सारे के सारे बहादुर बच्चों को बिल्कुल तय दिल से सलाम की भी आपने इतना बढ़िया एक तो आप लोगों ने इतना शानदार प्रदर्शन किया, और आपकी आवाज ये मान लो कि 100% से 100% भाई थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा यो भाई पीछे, थोड़ा पीछे। 100% गारंटी है, अगर ऐसे ही लगे रहे ना ज्वाइनिंग 100% होगी। और ना तो इस सरकार को भी हमने ही बनाया था, और आगे भी हम देख लेवांगे इन्हें। जब तक ये युवा परेशान, जितना परेशान करेंगे ना सरकार, उतना फिर हम इन्हें परेशान करांगे। यह सच्चाई है। नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन चंडीगढ़ के अंदर, पंचकूला के अंदर, और इतना अनुशासित आंदोलन हो नहीं सकता। हमने किसी भी नागरिक को परेशान नहीं किया, पूरे सरकार से सबसे सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट की है कि भी हमारे 6600 परिवार हैं जिनके पास बहुत सारे तो ऐसे परिवार है कि भी रहने को घर नहीं है, ये सच्चाई बात है। और बहुत सारे बच्चों ने तो प्राइवेट नौकरी छोड़ के तैयारी की थी, 4 साल से घर बैठे, कईयों की तो जमीन बिक चुकी है जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। लेकिन ये सरकार कब तक नहीं सुनेगी? सुनना चाहिए सरकार को। और ये सरकार सिर्फ हमारे लिए ही होगी, हमारे लिए तो है, लेकिन हमारी ही नहीं सुन रही है। और इससे ज्यादा आज लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई है पहले, इससे बुरा हालात हो नहीं सकता हरियाणा का। और जो हरियाणा का युवा हरियाणा प्रदेश की प्रगति के लिए अपने कार्यालय में, प्रशासन में वहां पर सहयोग देना चाहिए, आज युवा रोड के ऊपर भटक रहा है। तो मैं तो हरियाणा सरकार से और जो भी मतलब की एक्टिविस्ट है उनसे यही कहना चाहूंगा कि भी इन बच्चों की सुन लो, ये 6600 परिवार है, 4 साल से बेचारे दुखी है, और कितना इंसान लोग है इन बच्चों का, इससे बड़ा इंसान हो नहीं सकता। और एक बार फिर बिल्कुल दिल से धन्यवाद, और आपके लिए जो भी सहयोग होगा बिल्कुल भाई जब भी बुलाओगे मैं सारे के सारे टीचर आप लोग, लेकिन एक बार आश्वासन दो अभी बैठे रहोगे, यहाँ से जाओगे नहीं। ज्वाइनिंग 100% डर भाग्य तो कुछ नहीं मिलेगा। जुगराज रोड पांडाना सारी उम्र रोए हटांगे, ये सच्चाई है। तो एक बार सारे के सारे नारा लगाएंगे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हरियाणा पुलिस जॉइनिंग गो, हरियाणा पुलिस जॉइनिंग गो। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार अजय अग्रवाल सर कम से हमारे